काम करते हैं? मैं डाइकिन में इंजीनियर हूँ मैम। आप इंजीनियर हैं और आप? मैं हेल्पर हूँ इनके साथ। आप इनके साथ हेल्पर है? आप कस्टमर है, कस्टमर हमें कंप्लेंट डालता है कि हमारे एसी में ये दिक्कत है। अच्छा, तो हमारे पास कॉल आती है। हाँ। तो हम लोग फोन करते हैं उनको, फोन करके फिर उनसे पूछते हैं हमें आना है नहीं आना। हाँ। क्या दिक्कत है क्या नहीं, फिर हम जाके सोल्व करते हैं। अच्छा, यही काम होता है। मैम क्वालिफिकेशन मेरी ये है, मैं 12th पास हूँ एंड सीबीएसई बोर्ड और ITI करी हुई है मैंने। तो आपको 6,000 रुपए मतलब थोड़ा ट्रेनिंग के दिए जाएंगे। और जो फिर आप इंजीनियर पर जाओगे तो आपको 15,000 16,000 17,000 इतनी मिल जाएगी आपको। अच्छा। ये है कि आप काम यहाँ पे सीखो, आपको पैसे मिलेंगे काम सीखने के लिए। हाँ। और जब सीख जाओगे तो आपको सैलरी पैकेज भी बढ़ाई जाएगी। आप पेट्रोल वगैरह सब कंपनी का है मैम? सब कंपनी देती, गाड़ी भी कंपनी की है? हाँ, गाड़ी भी कंपनी की मैम, हमारी खुद की नहीं है। बात यह है यहाँ पे मतलब काम की कमी नहीं है अगर इंसान चाहे तो। हमारे में ये है, हमारे में है 3-4 टीम होती है हमारे में। हाँ। जो एक ब्रेकडाउन की होती है, जो एसी को चेक करते हैं अच्छी तरह से, एक होते हैं एसी लगाते हैं, तो उनकी सबकी हिसाब से सैलरी होती अलग है, अलग अलग सैलरी होती है। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ITI की ट्रेड की अब इंटरव्यू लेकर के आऊं। तो गाइस लकीली मुझे दो लोग मिले हैं यहां पर जो कि डेकिन जैसी बड़ी कंपनी में है। तो आज इस वीडियो में मैं इनके इंटरव्यू के थ्रू आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं कि अगर आप बड़ी कंपनी में एज एन ITI के थ्रू नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या सही तरीका है नौकरी पाने का, और कितनी सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है, क्या क्या काम आपको करना होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल jobnow247.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भैया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD राशिद अफरीदी है। ओके, तो भैया काम करते हैं वैसे? मैं डाइकिन में इंजीनियर हूं मैम। आप इंजीनियर हैं और आप? मैं हेल्पर हूं इनके साथ। आप इनके साथ हेल्पर हैं? आप इंजीनियर हैं और आप हेल्पर हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इंजीनियर जो है यहां पर इनका इंटरव्यू लूंगी और उसके बाद जो हेल्पर है उनका इंटरव्यू लूंगी और दोनों के बारे में बताऊंगी कि ये क्या काम करते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका काम क्या क्या होता है? मैम हमारा काम होता है, हमारा काम पहले बात फील्ड में होता है मैम। अच्छा, क्या होता है हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर हमें कंप्लेंट डालता है कि हमारे एसी में ये दिक्कत है। अच्छा, तो हमारे पास कॉल आती है। हाँ। तो हम लोग फोन करते हैं उनको, फोन करके फिर उनसे पूछते हैं हमें आना है नहीं आना। हाँ। क्या दिक्कत है क्या नहीं, फिर हम जाके सोल्व करते हैं। अच्छा, यही काम होता है। मतलब अगर किसी का एसी खराब है घर पे तो वो डायरेक्टली आपको मतलब कंपनी को कॉल करता है, कंपनी आपको उनके घर पे भेजती है। जी मैम। ओके भैया एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फिर भी एक बार बता दीजिए। मैम क्वालिफिकेशन मेरी ये है, मैं 12th पास हूँ एंड सीबीएसई बोर्ड और ITI करी हुई है मैंने। ITI का डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा, तो सैलरी पैकेज आपको क्या मिलता है? मैम सैलरी पैकेज ये होता है, अगर आप ITI भी आपने की हुआ है तो आपको काम आता है पहले से ही। हाँ। फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब देखने के लिए तो आपको 6,000 रुपए मतलब थोड़ा ट्रेनिंग के दिए जाएंगे। हाँ। और जो फिर आप इंजीनियर पर जाओगे तो आपको 15,000 16,000 17,000 इतनी मिल जाएगी आपको। अच्छा, मतलब अगर जैसे कोई फ्रेशर है, अभी उसने 12th पास किया या ITI का डिप्लोमा किया है 10th के बाद, और उसको वो अगर आता है कंपनी में तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में 7,000 से 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या ट्रेनिंग में, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन बट उनको कंसल्टेंट बोलते बोलते कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अभी आप फ्रेशर हो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, तो क्या ऐसा होता है क्या? मैम बहुत सी कंपनी में होता होगा, पर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि आप काम यहाँ पे सीखो, आपको पैसे मिलेंगे काम सीखने के लिए। हाँ। और जब सीख जाओगे तो आपको सैलरी पैकेज भी बढ़ाई जाएगी आपकी। ओके, तो देखिए दोस्तों इन्होंने खुद बताया कि जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी 6,000-7,000 रुपए इनको दिए जा रहे थे, फिर उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग इनको जो जॉब मिली इसी सेम कंपनी में मिली और उसके लिए काफी अच्छी सैलरी इनको दी जाती है। तो कितनी लगभग सैलरी आपको? हमारे में ये है, हमारे में है 3-4 टीम होती है हमारे में। हाँ। जो एक ब्रेकडाउन की होती है, जो एसी को चेक करते हैं अच्छी तरह से, एक होते हैं एसी लगाते हैं, तो उनकी सबकी हिसाब से सैलरी होती है, अलग अलग सैलरी होती है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मैम यस यस। और जैसे अगर आप गाड़ी जो आपकी खड़ी है मतलब आप गाड़ी से जाते हैं जगह जगह, उसके पेट्रोल वगैरह? सब कंपनी का है मैम। सब कंपनी देती, गाड़ी भी कंपनी की है? हाँ, गाड़ी भी कंपनी की मैम, हमारी खुद की नहीं है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसके लिए ये मैं वीडियो कर रही हूँ। आज के टाइम पर जैसे कोई 10th पास है, ITI की डिग्री इसने ली है, तो उसको अगर जॉब चाहिए इसी तरीके की तो वो क्या कैसे अप्लाई करे, क्या सही तरीका है जिसके बेसिस पर उसको ये नौकरी मिल सके? बात यह है यहाँ पे मतलब काम की कमी नहीं है अगर इंसान चाहे तो। ये बात जो है बहुत अच्छी बोली, आप बताइए। मैम बात यह है, देखो मैं भी था, मैंने भी 12th पास करी, तो चाहता मैं भी पढ़ सकता था, मुझे भी मतलब बहुत पर मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना था। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने नोएडा में मतलब ट्राई किया, बातचीत करी सबसे, बातचीत करके फिर मुझे डाइकिन में
ऑफर आया कि आप काम सीख सकते हो और आप काम कर सकते हो, तो मैंने उसमें 3 साल कम से कम ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर मैं इंजीनियर बना, फिर मैं जाके काम किया। ओके, तो गाइस काफी अच्छा तरीका बताया। ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था या? मैंने ऑनलाइन नहीं किया था, मैंने ढूंढा था बहुत, मतलब ढूंढ के, हाँ मतलब जैसे लोग क्या होते हैं जैसे काम करते रहते हैं बाइक पे, लोग कहते हैं मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या आपकी वैकेंसी है, खुली है, ओपन है, नहीं है, पूछ के तो उन्होंने बताया, तो मैं गया तो मैंने काम किया उसमें। ओके, तो उस भैया ने बताया कि इन्होंने हार नहीं मानी, कंटिन्यूअसली जॉब जो है वो ढूंढती रही। ऑनलाइन भी अप्लाई किया होगा आपने और जो ऑफलाइन है वो भी आपने अप्लाई किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी काफी सारे लोगों को जो कि अपना जो कि आईटीआई की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं। तो गाइज आप बड़ी जगह बड़ी शहर में जाइए, हम इस वक्त नोएडा में हैं और काफी सारी वीडियोज में नोएडा की आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, हार मत मानिए। अगर आप क्वालिफाइड है काम चाहते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नौकरी जो है वो मिलती ही मिलती है ना, सही कहा ना? Yes, ma'am, बिल्कुल right. Okay. अब मेरे साथ जो दूसरे भैया हैं जो इनके साथ एज एन हेल्पर जो है वो काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा, मैं इंटर पढ़ चुका हूँ मैम। अच्छा, अभी क्या एज है आपकी? मेरा हो गया 20 साल हो गए। 20 साल के हो गए, बहुत अच्छी बात है। 20 साल की उम्र से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आगे आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है। तो भैया सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर काम किस तरीके का करते हो? मैम जैसे मैं, ये हमारे इंजीनियर हैं, इन्हीं के साथ मैं जाता हूँ और फिर ये जैसे जैसे काम देते हैं सिखाते हैं वैसे मैं करता हूँ। अच्छा, प्रॉपर आप करते हो। जी मैम। क्या क्वालिफिकेशन है? मैं इंटर पढ़ चुका हूँ मैम। ओके, ठीक है, मैं इंटर पढ़ के फिर आगे भी आईटीआई में नाम लिखाना चाहता हूँ, मगर कुछ मजबूरी के चलते मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं भैया। कितने घंटे काम होता है आपका? मैम यहाँ 8 घंटे, 9:30 बजे आ जाता हूँ और फिर 6-7 बजे तक तो अपना ऑफिस चला जाता हूँ काम। Okay. और क्या सैलरी वगैरह है आपकी? मैं तो अभी मैम हेल्पर हूँ, वही 6-7 हज़ार मिलते हैं। मतलब देखिए इन्होंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है, मतलब कि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड पे है ना, और आगे आप आईटीआई का डिप्लोमा जो है वो करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए ये हेल्पर है इनको एज एन, अच्छा आपने इस ये नौकरी कैसे आपको मिली थी? जैसे मैं एक मेरे गाँव के रहते थे वही, मतलब उन्हीं को मैं बोला था तो वही यहाँ लेकर आ गए, वही लगा दिए हैं वो हमको। अच्छा, मतलब रेफरेंस के थ्रू आपको जानकारी प्राप्त हुई। तो भैया क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं आप गए हो किसी ने आपसे पैसों की डिमांड करी है नौकरी के लिए? नहीं मैम ऐसे नहीं हुआ। और ट्रेनिंग वगैरह के लिए पहली बार आया हूँ मैम यहाँ काम करने। आप पहली बार आए हैं, देखिए कहाँ से हैं आप वैसे? ऐसे औरंगाबाद जिला से हूँ मैं। औरंगाबाद से आप नोएडा आए काम करने? जी मैम। काफी देखिए कितने दो लोग हैं, दोनों ने काफी मोटिवेट किया, ये सिर्फ 12th पास हैं और अभी आईटीआई करने की सोच रहे हैं बट किसी रीजन से आईटीआई नहीं कर पाए, बट आगे चल के करेंगे और ये भी काफी अच्छा काम ये करने वाले हैं। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने काफी सारी जानकारी दी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी लोगों को जो कि अपना करियर जो है आईटीआई की लाइन में बनाना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आप प्लीज हमारा जो यूट्यूब चैनल है jobnow247.com लाइक करें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार इंटरव्यूज के साथ या नई कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।